हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो यहाँ पर तीन तीन एक्सचेंज पर मुझे जाना पड़ेगा। सबसे पहले अटलांटिस एक्सचेंज पर, इसके बाद में वहाँ पर तो अभी कोई काम नहीं है। सबसे पहले हॉटवीट एक्सचेंज पर जाना पड़ेगा, वहाँ से एड्रेस लाना है। एड्रेस ला के बाइनेंस पर जाना है, बाइनेंस से डॉलर सेंड करना है हॉटवीट एक्सचेंज पर, और वहाँ से बाई करना है AC बाई करके, वहाँ से फिर यहाँ अटलांटिस पर ट्रांसफ़र करना है। उसके पहले अटलांटिस का जो वॉलेट एड्रेस है कॉपी करके हॉटवीट एक्सचेंज पर पेस्ट करना है। ओके, तो इतना बड़ा प्रोसेस है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। कोई भी कहीं भी यदि आपने स्किप किया तो पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहते हैं कि सर मेरा तो मैंने तो AC ट्रांसफ़र किया अटलांटिस एक्सचेंज पर और 5 दिन हो गए अभी भी वहाँ नहीं आया, क्या करें क्या? तो जब तक आप पूरा प्रोसेस ध्यान से नहीं देखते, आप अगर उतना ही प्रोसेस देख लें कि वहाँ से जो हमने विड्रो किया अटलांटिस पर ले गए तो वहाँ पर क्या करना है, ठीक है, पूरा प्रोसेस जब देखेंगे तो समझ में भी आएगा, नहीं तो आपका ऐसे लॉस होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करते हैं हॉटवीट एक्सचेंज पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हॉटवीट एक्सचेंज पर ये ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट साइड से, और अकाउंट ऑर्डर वॉलेट, तो वॉलेट पर क्लिक करते हैं। वॉलेट पर क्लिक करने के बाद में बैलेंस आप यहां पर देख रहे हैं, ये सब बैलेंस यहां पर दिख रहा है। तो अभी मैंने यहां पर ये वॉलेट जैसे क्लिक किया, माय फंड डिपॉजिट विड्रो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो अभी डिपॉजिट पर क्लिक करना है क्योंकि अभी यहां पर कोई फंड नहीं है। फंड पर मुझे क्योंकि अभी डिपॉजिट पर क्लिक करके मुझे डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं आई नो। तो यहाँ पर अभी क्या डिपॉजिट करना है, USDT डिपॉजिट एड्रेस, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर USDT मैंने सिलेक्ट कर रखा है, और ये TRC20, और यहाँ पर जो भी आपको डिपॉजिट करना हो या AC20 BEP20 BSC सोलाना पॉलीगॉन, ठीक है, ये सब यहाँ पर एड्रेस नेटवर्क दिए गए हैं। तो TRC20 यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, इसके बाद में ये एड्रेस दिया गया है, या आप QR कोड भी आप दे सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद में अभी बाइनेंस एक्सचेंज पर चलते हैं। ये बाइनेंस पर मैं आ चुका हूँ, और इसके बाद में ये विड्रो का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पहला सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर वो एड्रेस है वो चिपका देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रॉन TRC20 कन्फर्म, और यहाँ पर जो भी जितने भी डॉलर आपको ट्रांसफ़र करना है उतने डॉलर यहाँ पर डाल देते हैं। 12 डॉलर मुझे जैसे ट्रांसफ़र करना है, इतने डॉलर से 1 मिलियन आ जाएंगे। AC विड्रो पर क्लिक कर देना है, इसके बाद यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देना, और सिक्योरिटी जो भी OTP आता है आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर उसे क्लियर कर देना है। वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है, क्योंकि जब पहली बार करते हैं तो ऐसा मैसेज कभी कभी आता है। तो फिर यहाँ से $11 कन्फर्म हो चुका, कंप्लीट हो चुका। अभी चलते हैं हॉटवीट एक्सचेंज पर। तो ये मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और यहाँ पर बैलेंस शो होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो USDT है वो आ चुका है, और यहाँ पर USDT $11 यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद में अभी क्या करना है, ट्रेड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ऊपर देख रहे, मार्केट एक्सचेंज ETF इन्वेस्टमेंट, तो एक्सचेंज पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अभी यहाँ पर देख रहे हैं USDT ATC USDT है। ATC का रेट अभी 0.316 USDT के बराबर है, यहाँ पर जो रेट चल रहा है। तो मतलब ये है कि 24-25 रुपये रेट यहाँ पर चल रहा है ATC का। तो अभी यहाँ पर सिलेक्ट करना है मुझे AC, तो ये मैंने AC सर्च किया यहाँ पर, ये देख रहे हैं यहाँ पर AC सबसे ऊपर है, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। क्लिक किया इसके ऊपर, इस सामने ही देख इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे AC पर क्लिक करते हैं, AC USDT के पेयर में यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो अभी यहाँ पर देखिए ये पूरा पेज निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर ये बाई का ऑप्शन है, और दूसरा ये सेल का ऑप्शन है। तो अभी यहाँ पर ऊपर
11 यहाँ पर USDT दिख रहे हैं और इसके बाद में यहाँ पर रेट भी यह दिख रहा है 0.000009। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वॉल्यूम है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे या फिर आपको यहाँ से नीचे से ये जो ग्रीन कलर का बटन दिया गया है यहाँ पर वॉल्यूम ही डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत स्लो है ये हॉट वीट एक्सचेंज पर, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, और यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर टोटल जो हो गया है 0.9 USDT के बराबर ये हो गया है 1 लाख ऐसी। ठीक है, तो 10 लाख ऐसी यहाँ पर हो गए 1 मिलियन, और अभी मेरे पास और भी बचेगा तो यहाँ से मुझे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की जो लाइन है इसको मैं डॉट को यहाँ पर ले आया हूँ, तो इससे पूरा जो USDT है वो सिलेक्ट हो चुका है, और अभी ये वाई का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन नेक्स्ट पेज आता है उसमें कैंसिल और कंफर्म का दिया है, तो कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। जो कंफर्म पर मैंने क्लिक किया उसमें पूरा जो USDT था मैंने सिलेक्ट किया था, तो कुछ वहाँ पर मैंने छोड़ा इसलिए तब जाकर वो कंफर्म पर क्लिक हुआ, और नेटवर्क भी यहाँ पर स्लो है हॉट बीट एक्सचेंज पर, बाकी एक्सचेंज पर नेटवर्क अच्छी तरह आता है, यहाँ पर प्रोसेस ही स्लो हो रहा है। तो अभी देखते हैं मेरे जो AC कॉइन है यानी वॉलेट में कितने आ चुके हैं, तो ऊपर ये वॉलेट दिख रहा है वॉलेट, और यहाँ पर फिल लिख कर आ गया है, यहाँ ये 1.14 मिलियन AC यहाँ से बाय हुआ है। अब इसको क्या करना है, इसको ले जाना है अटलांटिस एक्सचेंज पर, ले जाएंगे। तो अभी अटलांटिस एक्सचेंज मैंने ओपन कर रखा है AC, और इसके बाद में ये जो नेटवर्क है इसका और ये वॉलेट है, यदि यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया होता है तो एड्रेस को जनरेट, एड्रेस पर क्लिक करके एड्रेस को जनरेट कर लेंगे, और ये कॉपी दिया है कॉपी यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद में जाएंगे हॉट वीट एक्सचेंज पर, और यहाँ पर अभी जो नेटवर्क सेलेक्ट किया है मैंने यहाँ पर, अभी यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा ये USDT है यहाँ पर, तो AC सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ये AC सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर जो नेटवर्क है एक ही नेटवर्क है BEP20BSC का, और इसके बाद में यहाँ पर एड्रेस, ये मैं एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ, एड्रेस पेस्ट कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर जो पूरा एड्रेस AC सेलेक्ट कर लिया है, और 2000 AC यहाँ पर लगेंगे ट्रांजैक्शन फीस के, और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, तो मेरा जो ईमेल पर कोड आएगा उस ईमेल को मैं मोबाइल से निकाल के डालता हूँ इसमें, क्योंकि कारण वो जो ऑथेंटिकेशन कोड है वो लेट हो जाता जिसके वजह से प्रॉब्लम आती थी। अभी मैं यहाँ पर वो जो कोड है वो चिपका देता हूँ, यहाँ पर मैंने कोड डाल दिया, अब इसको कंफर्म कर देते हैं। यहाँ से देखिए ये लिख कर आ गया द विड्रॉल अप्लाई हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर लिखा है वेरीफाइंग पास AC विड्रो सक्सेस, ईमेल पर आ गया है विड्रो सक्सेस। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 11,41,742 AC। ठीक है, रिसीव हो चुका है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखकर भी आ गया है, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, चलिए अभी चलते हैं अटलांटिस एक्सचेंज पर, और यहाँ पर क्या है ये एक ऑप्शन दिया गया है कन्फर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर देते, अभी जो डिपॉजिट अभी मेरा जो है वो बहुत कम है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, कन्फर्म डिपॉजिट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो भी आपने वहाँ से विड्रो किया है वो इंस्टेंटली यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा कुछ ही देर में। तो यहाँ पर देखिए डिपॉजिट हिस्ट्री दिया गया, यू मे चेक योर PVS डिपॉजिट इन डिपॉजिट हिस्ट्री, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो भी हिस्ट्री है हमारी वो आ जाएगी। तो अभी देखिए 11,41,742 यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरा 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, नहीं डिपॉजिट हुआ, तो वो प्रॉब्लम यही होती है कि आप कन्फर्म डिपॉजिट पर क्लिक नहीं करते हैं, इंस्टेंटली जमा हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी देर नहीं हुई है।
और अभी वॉलेट पर जाते हैं, वॉलेट पर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए 11,41,791, यहाँ पर अब यहाँ पर आपको होल्ड करके नहीं रखना है। अभी आपको क्या करना है, तुरंत ही यहाँ पर लिक्विडिटी पूल में रख देना है। ये लिक्विडिटी पूल में गए और यहाँ पर लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन यहाँ पर जो पेज है ओपन हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर आ गया, अभी ये मेरे पास एसी है और ये दिया गया है यहाँ पर 12 मंथ के लिए, ठीक है। तो 12 मंथ के लिए यहाँ पर लिक्विडिटी में रखते हैं, तो यहाँ लिक्विडिटी पर क्लिक कर देते हैं। ये पेज आ गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये कैलेंडर आइकन दिया है यहाँ पर क्लिक करते हैं। आज की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 तारीख है आज, और यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर देते हैं, जो भी अमाउंट है यहाँ पर पूरा डाल देते हैं, जितना भी आपको करना हो, ठीक है। 11,41,700, 11,41,000 इतना बाकी रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 11,41,700 कन्फर्म टू ज्वाइन पर क्लिक कर देते हैं, और ये जो भी अमाउंट है आपका वो लिक्विडिटी में लग जाएगा। और यहाँ से पर मंथ आपको जो 12% पर ईयर मिलेगा, वो पर मंथ आपका यहाँ पर एक बार डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। पर ईयर का है 12%, इसलिए लेकिन डिपॉजिट होगा वो आप मंथ बाई मंथ आपका यहाँ पर डिपॉजिट होता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सक्सेस सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया, 4 तारीख दूसरा महीना, सॉरी 2 तारीख चौथा महीना, 11,41,700 आज की डेट। और इसके बाद में आज ही की डेट में आगे जो हमारा रिवार्ड है वो यहाँ पर डिपॉजिट होगा, कितना होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ से लगभग 11,11,000 डिपॉजिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले जो आने वाले मंथ में अगले, ठीक है, ओके। तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स पूरा, किस तरह से आप जो मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक ना करें तो सक्सेसफुली आपका जो भी अमाउंट है इंस्टेंटली आपका डिपॉजिट हो जाएगा, ओके। तो वीडियो समझ में आए हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।